असलकम खौफनाक सच नून मीम चौहान के साथ में हाजिर आज एक साहब मुझसे पूछ रहे थे कि अगर आपकी दिल आज़ारी ना हो और आप अगर आप माइंड ना करें तो ये बताएं कि आप हर एक को क्रटिसाइज करते हैं आपके ख्याल में अच्छा कौन है या चॉइस क्या है मैंने दरअसल जो 1000 हज़ार ब्लॉग्स लिखे पिछले चार साल में और कोई 200 के करीब ये मेरे वी हो गए हैं इन में तकरीबन हर ब्लॉग और वी में मैं सॉल्यूशंस बताता हूँ और मैं अपनी चॉइसेस बताता हूँ यहाँ तक कि मेरे तो ट्विटर के डीपी से लोग बहुत परेशान हैं जिसमें ट्रम्प को प्रमोट किया गया है और ट्रम्प को 2020 के ये महीने बाद होने वाले इलेक्शन के लिए आ, मेरी दुआ है कि वो इलेक्ट हो उसके लिए एक सिंसियर स्ट्रगल और विशेस का इंदिया दिया गया है मैं वो शख्स हूँ जो बातों को बड़ी क्लैरिटी में सफाई सुथराई के साथ इंदिर ओरिजिनल पोजिशन आपको बयान करने की कोशिश करता हूँ कोई लिपटी लगाई नहीं रखता किसी किस्म का मुझे कोई शौक नहीं है बिल्कुल मेरा प्रूवन करियर है साठ साल का जिसमें मैंने अपनी चॉइसेस एक्सरसाइज की हैं ठीक है जी और थ्रू आउट मेरा सच का बयान रहा है मैंने आपको बताया था कि अगर आपके पास चॉइस है तो आप कुदरती जिंदगियां गुज़ारें, नेचर के करीब रहें, ख्वाहिशात को खत्म करें दो रोटी की बजाय एक रोटी पे आ जाए ठीक है जी साल का हिस्सा ना बने अपनी डिजायर्स को कम करें वाई का दस लाख का बैग लेने की ख्वाहिश ना रखें ठीक है जी अगर आपको ये ख्वाहिशात हैं अगर आपको ताकत का शौक बड़ा चुड़ा हुआ है तो फिर आप इस सारे सर्कस का हिस्सा बने और जब आपकी टका के ली जाए तो आप चीखे ना मारें आप उस रेप को करें। कल आप देखें एक बहुत चीज मैं देख रहा था वायरल हो रही थी कि, कि कोई एम फिल केमिस्ट्री में एम फिल बंदे ने पुलिस ज्वाइन की हुई थी कोई डाटा प्रोग्राम उनका करता था या क्या अपने आप को बड़ा कोई आलम फाजिल शो किया हुआ कि मैंने तो अमेरिका से एम फिल की है तो उसको सीसीपीओ ने उसकी सर्ज की और बल्कि था ये जी गधे का बच्चा कह दिया ठीक है जी और उसने उस पर इस्तीफा दिया जिसकी बहुत ज्यादा कल से सोशल मीडिया समाजी राबतों की वेबसाइट्स पर तशहर हो रही है अंदाजा लगाए आप मैं सीसीपीओ के इस कदम को एक हजार गुना ज्यादा सराहता हूं मैं वो बंदा हूं जिसने हमेशा एहतजाज किया कि प्रोफेशनल्स शुड बी स्टॉप्ड ब्रिंगिंग फ्रॉम कंपीटिंग सिविल सर्विस एग्जाम्स दीज इंजीनियर्स दीज डॉक्टर्स टेक्नोक्रेट्स हमारे साथ जिस बंदे ने टॉप किया था वो एम का डबल ग्रेजुएट था आखिर उसने ग्रेड बीस में खुदकशी करके अपनी इस दुनिया से जान छुड़ाई ये बहुत गलत है ये बहुत बड़ी जलालत आप कर रहे होते हैं मैं सीसीपीओ लाहौर का बहुत बड़ा हिमायती हूं एक वजह से कि उसकी मुनाफकत ना होना ही स्ट्रेट अवे बिलीव इन डिलीवरी मैं उसकी एक वीडियो क्लिप देख रहा था हाई कोर्ट के सामने उसने कहा यार इन सालों की सबकी तस्वीरें तस्वीरें खिंचो कल ये मलबा पे रम पे डाल देते हैं सब इनकी तस्वीरें बनाओ फिल्में बनाओ ये क्या क्या कुछ करते हैं अब ये मम्मी डैडी मुनाफिक ग्रुप हो रहा है नंगा इससे पहले सीसीपीओ मम्मी डैडी के ये गिजे हुए थे जो सारा दिन अपने बाप के मजार के लिए पैसे इकट्ठे करता था जुल्फकार हमीद जुल्फकार हमीद लोगों से चंदा मांगता था अपने बाप का मजार जो फैसलाबाद में है उसके लिए वो आपके लिए बहुत अच्छा सीसीपीओ था ठीक है ना जी वो अंदर खाते शहबाज शरीफ की भी फोन अटेंड करता था इन सब की भी बातें मानता था शहबाज शरीफ की और इन सब की बड़ी मौज लगी हुई थी अब नया सीसीपीओ आया है एंड ही मीन्स बिजनेस वो पड़ गया इनको कि तुम्हारी ऐसी तैसी वही बात वो जो पुलिस वाला इधर जिसने एक शेरफ ने काउंटी में नेवाडा की कहा कि आप अगर ब्लैक लाइज मैटर कहेंगे ना येलो पकड़ो अपनी सिक्योरिटी मरो खुद ही अपनी सिक्योरिटी करो आई रियली लाइक हिम फॉर दिस थिंग आज मैं एक और ख़बर पढ़ रहा था एंड्रयू कोमो को न्यूयॉर्क पोस्ट एक बहुत ज़बरदस्त बहुत पुराना बार है बहुत एक्सट्रीम हालांकि उसे फार लेफ्ट का समझा जाता है और उसने एंड्रयू कोमो को बड़ा लतौड़ा हुआ था कि ये रैशल डिस्टरबेंसेस कर रहा है रोचेस्टर एल्बनी और ये शहर इसने न्यूयॉर्क के तबाह पर कर दिए हैं बिल्कुल मैं उस आर्टिकल से एग्री करता हूँ क्योंकि वो जो एक केंटकी में आ, आ, ब्रेना टेलर्स का कत्ल हुआ है जिसमें के जूरी ने फैसला दिया है कि उसके पुलिस के पास सर्च वारंट्स थे उसके लिए ठीक है जी और उसके बॉयफ्रेंड ने गोली चला दी जिसमें के डिफेंस में पुलिस ने जब गोली चलाई तो वो मरी है फाइन अब उसको भी भड़काया जा रहा है ठीक है ना जी तो अल्टीमेटली इट विल बी मोर सेंट्रल गवर्नमेंट मैं आपको बताऊं आज कल मैं सबसे ज्यादा मदा शेख रशीद का हूं वो बहुत सही बातें कर रहा है जब शेख रशीद बेनजीर के बारे में बेहूदा बातें करता था जो कि मैं समझता हूं किसी भी किसी लच्चर से लच्चर फ्रॉडिये गंदे आदमी को भी जेब नहीं देती इस तरह की बातें करते तो नवाज शरीफ वगैरह दांत निकालते थे और उसकी वो पब्लिसाइज करते थे आज वो इनके छोटे उतार रहा है ना तो इनको इनकी तबीयत सही हो रही है उसने बिल्कुल ठीक कहा है कि आर्मी सबसे बेहतर है इनमें से ये जितने बड़े गंध के ढेर है उसने सबके साथ काम करके देख लिया है। और दूसरा उसने बहुत अच्छा कहा है कि आर्मी ने सिलेक्शन बड़ी गलत की है ये बंदा ठुस निकला है इमरान खान बहुत उसने सही कहा है मसला तो सारा इधर से होता है कल मुझे एक इमरान खान का फॉलोअर कह रहा था कि मैं सर 20 साल से इंतजार कर रहा था कि कब इमरान शहजादा आएगा वो लो जी सर आगे इसने लिद कर दी है मेरे पास तो अपनी अम्मी की दवाइयों के पैसे नहीं है ये है जनाब साहब मसला जिधर से अब आज इमरान खान को किसी ने क्रेडिट नहीं दिया कल उसने जो यूएन की का वर्चुअल एड्रेस किया है जिसमें उसने इतनी जरूरत दिखाई कि इंडिया को और वेस्ट को एंटी इस्लामिक प्रोपेगेंडा पे ललकारा जाए नवाज शरीफ क्यों नहीं एंटी इस्लामिक प्रोपेगेंडा पे लंदन में बोलता है वो तो लंदन वालों से रिफ्यूज लिए हुए हैं इनको तो अल्ताफ हुसैन और अल... नवाज शरीफ को चुल्ली पर पानी लेके डूब मर जाना चाहिए जो इनका एटीट्यूड है जो इनका रवैया है मैं तो हैरान होता हूं तो जनाब मैं आपको बताऊं उस जवाब की फर्दर सवाल की फर्दरेंस में द टाइम्स हैव कम कि जहां डेमोक्रेट्स की लिबरल्स की मुनाफकत बहुत अय हो गई है द टाइम्स हैव कम फॉर अ स्ट्रॉगर सिविल सेंट्रल गवर्नमेंट सेंट्रलाइज गवर्नमेंट आप देखें पहले एम्पायरस होते थे एम्पायर्स ने कॉलोनीज इस्टेब्लिश कर ली जैसे डच फ्रेंच ब्रिटिश कॉलोनीज हुआ करती थी बहुत सारे मुल्क जैसे इंडिया भी रहा है ये वो। उसके बाद दूसरी जंगीम के बाद नेशनल स्टेट्स का ट्रेंड आ गया कि कौमीत की बिना पे और जनाब साहब ग्लोबलाइजेशन शुरू हो गई और एक एक क्या कहना चाहिए कॉन्फेड्रेशन टाइप सिलसिले शुरू हो गए और जनाब साहब रशिया भी ब्रेक हो गया जबकि इसी दौरान चीन ने तीन इंडिपेंडेंट स्टेट कर ली ठीक है ना जी? नीस्कस्तान देखे और दूसरा तिबेत तीसरा यूनान मैं तीनों जगह गया हुआ हूं ठीक है जी उसने वो तीनों स्टेट कर ली और फिर क्या किया उधर जेनोसाइड भी शुरू कर दिया लाइक आज शिंजेंग में जितनी तरक्की है वो हैन पॉपुलेशन की वजह से है ठीक है जी अब हैन पॉपुलेशन का उस सॉरी योगीर्स का उसने उधर जेनोसाइड भी शुरू कर दिया और कोई नहीं उस पर बोल रहा है आज बेलारूस में क्या हो रहा है आप देखें कि रशिया ने कल फाइनली अपने ट्रूप्स बेलारूस में भेज दिए प्यूटिन बड़ा स्मार्ट प्लेयर है प्यूटिन बड़ी देर से कह रहा था उसको अलेक्जेंडर लकाशेंकोव को कि तुम इस तरह करो कि हमारे साथ मिल जाओ एक यूनियन बना लो ये अमेरिका जो है ये पोलैंड बेलारूस यूक्रेन और जॉर्जिया एक जो सराउंडिंग यूएसएसआर के चार कंट्रीज हैं इनको खा जाएगा ये कह कर के हम डिफेंस लाइन बना रहे हैं यूक्रेन पे तो रशिया ने कब्ज़ा नहीं करने दिया वेस्ट को पोलैंड भी इज इंडिपेंडेंट जॉर्जिया भी इज़ मोर प्रो रशियन ठीक है जी अभी अमेरिकन एम्बेसी वहाँ बनी है और बड़ी हॉट एक्टिविटी उधर हो रही है उसने कहा ये आपको कुछ नहीं देंगे वही हुआ अलेक्जेंडर मानता नहीं था पिछले साल सोची में दोनों की मीटिंग भी हुई तो अलेक्जेंडर वॉकड आउट के नहीं नहीं अलेक्जेंडर का वेस्ट का कार्ड ओपन रख रहा था कि ये डेमोक्रेसी का लोला पोपा लोगों के लिए ये टॉफी ओपियम फॉर द पुअर ये रहने दिया जाए वो क्या हुआ वो नहीं बचा सका अब प्यूटिन उसका मजाक बना रहा है प्यूटिन ने कहा कि देखा मैंने तुझे कहा था ना कि अनेक्स कर लो कि यूनियन कर लो हमारे साथ उसने कहा साईं आप बिल्कुल ठीक कह रहे थे आ जाए वो हजार ट्रूप सप्तें लेके के आ, आ गया है। अब नेटो तमाशा देख रही है ठीक है जी अब नेटो जाने और उसका काम जाने और जनाब आप अब सेंट्रल गवर्नमेंट्स के बगैर रह ही नहीं सकते हैं या तो आप इन सोशल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर आए हर्मिट बन जाए या आप अपनी डिजायर कम कर लें अगर इन सोशल कॉन्ट्रैक्ट्स में भी रह रहे हैं ठीक है ना अब वो बलोच भाई जो कहते हैं हम पंजाबियों को चुन चुन के मारेंगे वो मुझे बता रहे थे कि मैं अभी तक जब तक फुद्दू चल रहा है अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस भी 800 डॉलर हफ्ते का ले रहा हूं अंदाजा लगाएं मैं कभी अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस के लिए अप्लाई नहीं किया हाँ ठीक है मैं जॉब भी बड़े कम करता था स्पिनोजा की तरह मर्जी के कोई और जॉब्स करता था अभी भी मेरा जब हुआ जब भी इरादा कोई दो तीन सौ डॉलर महीने के लिए मैं कर लेता हूँ कोई मुझे फर्क नहीं पड़ता है ठीक है जी बट आई वुड नवर ऑप फॉर अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस मेरी बीवी रेगुलर जॉब करती है तो शी अप्लाइड कोई दो तीन महीने हार्डली उसने लिया वो फिर आजकल मैंने देखा है दिन रात गई हुई थी उसे मैं कह रहा था कि यार तो बड़ी पागल है Uh, कि वो 800 डॉलर ले रहा है, वो अभी तक चल रहा है फुदू का था, था वो हस रही थी कहती कि इन लोगों ने तो अमेरिका को तबाह तो बर्बाद की है आप देखे ना हमने इधर भी हम ऑनेस्ट नहीं रहे टू दिस कंट्री मैं क्यों कहता हूं कि मुझे इस जमीन को चूमने को दिल करता है मुझे इस झंडे को बार बार स्लूट मारने को दिल करता है इस नो लेस देन हैवंस जो लोग ये करते हैं इसको लूटते हैं वो अपने माँ बाप के ही नहीं है मैं आपको बताऊं ये आज कह रहे हैं ना हम पंजाबियों को चौकों में मारेंगे ये तो अपने माँ बाप के नहीं है ये लोग ठीक है ना अल्ताफ आज किस मुंह से लंदन में बातें कर रहा है मैं सलाम भेजता हूँ इकबाल जाफरी साहब पर मेरे बड़े मेरे लॉयर के केस में थे तो उन्होंने कोहिनूर की वापसी का ब्रिटिश क्राउन के खिलाफ लंदन में भी केस किया इधर भी केस किया और वो जीत गए हुए हैं केस कि ये वापस इंडिया को दिया जाए इंडिया के मसले पे रफड़ हुआ है <laughs> क्योंकि वो तो अब डिवाइड हो गया है तो वो जाफरी साहब अच्छा कहते होते हैं कि चलें वो मुसलमानों को दें क्योंकि वो मुगल एम्पायर तो मुसलमानों का एम्पायर समझा जाता था उससे मुझे याद आया कल मैंने एक और दरख्वास्त दागी है मिलिट्री चीफ को और चीफ जस्टिस को आज से कोई दो साल से भी ज्यादा मार्च गालिबन 30 को मैंने 2018 में या 10 मार्च 2018 में एक दरख्वास्त दी थी जो अभी तक रिकॉर्ड में है जो सोशल मीडिया के व्हाट्सएप पर बहुत वायरल हुई थी जिसमें मैंने 200 अरब डॉलर 10 ब्यूरोट से निकलवाने का कहा था और मुझे उसका कोई जवाब नहीं दिया गया और बल्कि दो ब्यूरोट साहद चीमा और फवाद हसन फवाद बिल्कुल ही छोड़ दिए गए ठीक है जी और उसके ठीक उस दरख्वास के दो महीने बाद मुझे गद्दार डिक्लेयर किया गया आई डोंट माइंड दीज थिंग्स खैर और मैंने फिर अच्छा आपके सामने आईएसआई आई और फौज का अच्छा बजा बजाया कि कहाँ ये गलत हैं और कहाँ ये गंद कर रहे हैं इन्होंने मेरे घर पे कब्जा कर लिया आई दैन एम नॉट बोर्ड मैं अब इनको सपोर्ट कर रहा हूँ कंपेयर टू अदर्स तो लोग कहते हैं अच्छा जी कोई घर के बारे डील हो गई है मैंने कहा नहीं जी वो जाके देख लें वो कब्ज़ा उसी तरह कायम है <laughs> मैं वो डीलें शीलें करने वाला नहीं मेरे लिए ये चीज़ें ये माद परस्ती के मामला मादियत के मामला मेरे लिए एक बहुत बड़ी लानत की हैसियत रखते हैं लानत की हैसियत रखते हैं परोख़ इरफान मुझे पाँच मिलियन डॉलर दे रहा था मैंने कल का लेटर मैं अपना इस वाले वीलॉग के कमेंट्स में पब्लिश करूंगा प्लीज़ उसको ज़रूर पढ़िएगा वो मुझे ऑब्वियसली नहीं बुलाएंगे और कल एक बंदे ने कहा जी बड़ा आपको नौकरी का शौक चढ़ा है तो मैं बड़ा आस रहा था कि मेरे जैसे बंदे जिन्होंने ग्रेड उन्नीस को लात मारी और जिन्होंने शहबाज शरीफ के एम पी वन को लात मारी कि कुत्तो तुम सारे हराम ज्यादे हो तुम लुटेरे हो तुम गुंडे हो तुम बदमाश हो ठीक है बातें करते हैं तो वो तो उन्होंने करना कराना तो कुछ नहीं है लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरी तरफ से जो फर्ज कफाया है मेरी तरफ से जो सर्विसेज़ है मेरा जो फलसफा है मेरा जो नेचर के साथ प्यार है मेरी जो डिवाइन इंटरफ़ेरेंस की कन्विक्शंस हैं मैं उनको देखते हुए एक्ट करता रहता हूँ इरिस्पेक्टिव ऑफ एनी रिजल्ट इस्पेक्टिव ऑफ के कोई पब्लिक मुझे वेदर आसमानों पे उठाती है या वो मुझे ज़मीन पे पटकती है आई एम नॉट एट ऑल आई एम नॉट बोध मुझे इज्जत सबसे ज्यादा अजीज है काश हमें पाकिस्तानियों को सेल्फ रिस्पेक्ट और पोस्टेरिटी के मायने आते होते। काश हमें इनके मायने आते आज किस मुंह से अल्ताफ़ हुसैन पाकिस्तान की डिसमेंबरमेंट की बात कर रहा है इस कुत्ते हरामजादे को ट्रायल पे लाएं बुरी बंद लाशों के लिए इन हरामजादों को तो इन, के खिलाफ आईसीसी में इन इंटर, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में जेनोसाइड के के केसेस इनके खिलाफ होने चाहिए आप कहते हैं ना पाकिस्तान आर्मी ने इनको मारा उसको मारा लाइन फिर जेनोसाइड के वो फिलहाल तो जेनोसाइड का केस सुईकी के खिलाफ हुआ है जिसे नोबेल प्राइज लिटरेचर का मिला जिसे मम्मी डैडी सरों पे बैठाई फिरते थे खुदारा इस मम्मी डैडी ग्रुप से जान छुडाएं, जान छुड़ाएं सी सी पी ओ लाहौर जैसे बंदे को स्लूट मारे अगर आपने कोई अमन अमान चाहना है ट्रंप जैसे बंदे को जफिया डाले जफिया डाले मैं आपको कहता हूं दे आर विनर्स दे आर द फ्यूचर लीडर्स ऑफ द वर्ल्ड आप देखें डुटाटे डुटाटे इज माई हीरो फिलिपीन का डेमोक्रेसी से आया जनरल चिनोचा इज माई हीरो मैंने थाईलैंड की डेमोक्रेटिक स्ट्रगल येलो शर्ट्स वर्सेस रेड शर्ट्स में बड़ा हिस्सा लिया बकायदा जुलूसों में बैंकॉक में हिस्सा लिया मेरी एक बड़ी सिविल राइट्स एक्टिविस्ट एक स्ट्रगल्स uh, की एक बहुत बड़ी हिस्ट्री है ठीक है जी मैं तो बताता नहीं हूँ कि इसमें कोई फन नहीं मुझे एग्जैंपल्स रिलेट करने के लिए बताना पड़ता है ड्रामेबाजी के वो येलो शर्ट और रेड शर्ट कुछ नहीं थे ठीक है जी वो जो आराम ज्यादा नवाज शरीफ की तरह का है। पहले उसको पड़ी, दुबई बैठा है रिफ्यूज लेके फिर उसकी बेटी ने अदालत से दौड़ लगाई जब उसके खिलाफ केस आ रहा था और जनाब साहब वो भी अब जाके दुबई बैठी है शेख रशीद बिल्कुल ठीक कहता है मेरे जैसा बंदा फौज लाती मेरे जैसा बंदा मैं नवाज शरीफ और जरदारी से दस हजार अरब ना निकलवाता मेरा नाम नजर चौहान नहीं है ये बदमाश है ये कुत्ते हैं ये हरामजादे हैं इनकी खाले उदेड़ के पैसा निकाल निकलवाना चाहिए था यस फौज शुड टेक ओवर सेंट्रल गवर्नमेंट आके कंट्रोल करे अगर पाकिस्तान को संभालना है ये पाकिस्तान की डिस की बात करते हैं आप क्यों नहीं मुस्लिम्स के साथ जो ज्यादा हो रही है उसमें आपके क्यों मुंह बंद है ये बदमाश हैं, ये गुंडे हैं ये बाऊजी का बाप मेरे बाप के सामने ग्वाल मंडी में संगल बेचा करता था संगल बेचने की ये जो वो वो आते हैं वो नारे मार रहे होते हैं अंदरून शहर में वो पुराने लोहे की चीजें बेचने वाले उनकी इनकी दुकान होती थी बकवास करते हैं ये चार पाई पे बैठ के ये मेरे घर के पीछे मेरी आंखों के सामने शहबाज शीफ नवाज शरीफ और उसका अब्बा गोनर जलानी का घर बना रहे होते थे हमें उन्नीस में सिविल सर्विस एकेडमी में एक अमेरिका से बंदा पाकिस्तानी पढ़ाने आया था मुझे याद है उसने कहा था कि ये मल्टी नेशनल्स पर वो हमें लेक्चर दे रहा था उसने कहा मल्टी नेशनल्स ने बड़ी ज्यादती की है हमारे साथ के अब ये दुनिया की दुनिया को कंट्रोल करने लग पड़े हैं उसने कहा कि एक कंपनी मिट्स या फ्रुकावा का किसी का एग्जाम्पल दिया फ्लान जगह अफ्रीका में कू हुआ सबसे पहले उन्होंने ये न्यूज़ रिलीज की इतने वो वेल अवेयर हैं और कहते हैं उसकी मिसाल आपके मुल्क में भी है غالबा में इतना इन टच तो नहीं आपका जो फाइनेंस मिनिस्टर है غالबा वो कोई बिजनेस कम्युनिटी से है जनाब नवाज शरीफ साहब ठीक है ना जी नवाज शरीफ साहब आपके फाइनेंस मिनिस्टर गवर्नर जिलानी ने घर बनाने के लिए लगाए थे ये हरामजादे इस तरह कुत्ते हम पर मुसल्लत किए गए जनाब बातें करते हैं बाहू जी आएगा बाहू जी ये करेगा वो करेगा यस एक्चुअली फॉर्ज शुड कम फॉरवर्ड हैंग दीज पीपल ठीक है जी एंड डिलीवर एज शेख रशीद बिल्कुल ठीक कह रहा है मेरी अब आप देखें आज एक खातून उनकी बहुत ज्यादा सपोर्टर है मैं बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ हजारा बेटी तो वो कह रही थी न, किसी चीज पे ना हाँ कई इलेक्ट्रिक ऑफिस की उसने तस्वीर लगाई थी कि अब इसके सामने से जाते हुए बड़ा बड़ी लानन में भेजती हूँ ये इस तरह की कोई ट्वीट थी तो मैंने कहा लानत अपने बाउजी पे भेजे अभी ये जो फिनसेन का दो ट्रिलियन डॉलर की मनी लॉन्ड्रिंग थ्रू बैंक फेक सस्पिशियस ट्रांजेक्शन फ्रॉम नाइनटी नाइन टू टू जीरो तो वन सेवन टू ट्रिलियन यूएस डॉलर की हुई है उसमें उसमें बाउजी नवाज शरीफ का नकवी के साथ कई इलेक्ट्रिक की भी ट्रांजेक्शन है।, है ना ये जहाज पे लंदन से आरिफ नकवी के साथ बैठ के इधर ट्रेल पे हाजिर हो गए इमरान खान ने बहुत अच्छा बात कही दो के मेरे ख्याल में इमरान खान की अपनी ट्रांजेक्शन भी बहुत गलत है ये सिलाई मशीनों वाली उसकी बहन की और ये सारी भी अंडर रिव्यू आ जानी है इन सब ने पस जाना है ठीक है ना जी अमेरिका बड़ा होशियार है इस काम से पैनामा भी अमेरिका ने करवाया था पैनामा के नीचे नवाज शरीफ आ गया था ठीक है ना जी अब ये बाकी सारे इस दो ट्रिलियन डॉलर की ट्रांजेक्शन के नीचे आ जाएंगे ठीक है वो पाकिस्तान से नहीं है एक सौ सत्तर मुल्कों से हैं बट काफी सारे पाकिस्तानी उस लिस्ट में हैं मैंने वो उस लिस्ट की एक्सेस लेने की कोशिश कर रहा हूँ मेरी कुछ इधर प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर्स के साथ भी रबते रहते हैं जिस वजह से मैंने कल पाकिस्तानी गवर्नमेंट को लेटर लिखा है कि आप मुझे मुझे हायर करें बेशक मैं अमेरिका बैठ कर ही आपकी मदद कर देता हूं मुझे पाकिस्तान में कोई शौक नहीं है जाने वाने का बिल्कुल मुझे कोई ज़रूरत नहीं पाकिस्तान में वो जाए जिसने हुक्का किसी से धरवाना होता है ठीक है जी जिसने मसाज करवाना होता है ठीक है जी जिसने रात को मुजरा देखना होता है अमरीका में यू हैव टू वर्क एंड बी पेड यूएस कहते होते हैं ना देर आर नो फ्री अमेरिका ठीक है गो अमेरिकन जब हम पे जाते हैं, उस बलोच की तरह नहीं कि आप 800 डॉलर हफ्ते का अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस खाता इस मुल्क को भी टीका लगाएं और पाकिस्तान को भी टीका लगाएं कि उधर जी बलोचिस्तान हमें आजाद कर दो वो मरी कह रहे अमरीकीो हम आपके भी मजे लगाएंगे वो रिकोडिको दो वो ऑस्ट्रेलियन फर्म से तो तुम लोगों ने छुड़ा लिया ना कि वो सस्ती डील थी हमने सोना उधर से, खुद सोनाजी का मामा चाचा बना फिर सरदारों को बदमाश हैं सारे गुंडे हैं कुत्ते हैं हराम ज़ादे हैं फ्रॉडिये हैं सारे आपने अगर सोशल कॉन्ट्रैक्ट हमने किया हुआ है इन लोगों के साथ कि आप हमारी सिक्योरिटी का करें और आप हमें लेवल प्लेइंग फील्ड दें हम उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें वेरी सिंपल ये सियासतदान तो लड़ेगा ठीक है जी इंडिपेंडेंट भी हम जब तक यूनाइटेड नहीं है हम कुछ नहीं ले सकेंगे फ्यूचर इज ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट ट्रम्प विल विन दिस इलेक्शन नो डाउट अबाउट इट आज रात सात बजे ईस्ट कोस्ट के टाइम ट्रम्प विल अनाउंस द नॉमिनी फॉर सुप्रीम कोर्ट अब फटी हुई है डेमोक्रेट्स की बुरे हालात हैं सिक्स थ्री से रिपब्लिकन सुप्रीम कोर्ट वुड बी कंट्रोल्ड बाय बाय अब उन, उनको तकलीफ उठ रही है कि अगर हम कांग्रेस में आ गए या सेनेट में भी मेजोरिटी बनी तो फिर या जजों की तादाद बढ़ा देंगे या हम सुप्रीम कोर्ट की डिलीब्रेशन को चेक करेंगे वो कुत्तों डिलीवर करो पहले एंड्रयू कोमो साहब आप रेशल लड़ाइया इधर करवाते फिर रहे हैं ट्रम्प ने तो मुझे कुछ नहीं कहा उसने कहा कि फ्यूचर मैं नहीं दूंगा इमिग्रेशन क्योंकि ये एक्सप्लाइट हो रही है yes, ये इमिग्रेशन एक्सप्लाइट हो रही है जिस तरह मैंने आपको बताया है अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस जिस तरह मैसे हो रहा है अपना बहुत ख्याल रखें मैंने जवाब दे दिया है कि ऑफ लेसर ऑफ द ईवल्स कौन है अमेरिका में ट्रम्प है ऑफ द लेसर ऑफ द ईवल्स पाकिस्तान में पाकिस्तान आर्मी है ऑफ द लेसर ऑफ द ईवल्स ये सियासी गुमाश्तों को जिंदा जला के दफन करते हैं आप अल्लाह ने कहाना